आज यमुनानगर के जगाधरी शहर में संजीवनी ब्लड बैंक में एनआर ग्रुप की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जहां पर युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भारी संख्या में भाग लिया। युवा बहुत उत्सुक दिखाई दे रहे थे और युवाओं ने अन्य युवाओं को भी संदेश दिया। इसी बीच यमुनानगर के JJP से पूर्व प्रत्याशी भाई शैलेश त्यागी जी बतौर मुख्य अतिथि युवाओं का हाल चाल जाना और युवाओं को सामाजिक कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने के लिए प्रेरित किया। ये आपका जो ब्लड बेसिक जो ओरिजिनल बात है जी, विचार क्योंकि डेंगू सीजन चल रहा है जी जी, और डेंगू के टाइम जब प्लेटलेट्स कम पड़ जाए जी जी, तो इससे कवर होते हैं वो सारे जी जी। मैं तो सभी युवाओं से कहूँगा कि वो बढ़ चढ़ के प्रवेश में आज बढ़ प्रिय काम करें। हम जूझा प्रिया जी बिल्कुल मुख्य बतौर अतिथि हमारे शैलेश त्यागी जी, जो युवाओं के चहेते हैं, युवाओं की आवाज़ है, और आइए जानते हैं उन्हें ये युवाओं को क्या सीख देंगे और क्या संदेश देंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं युवाओं को तो यही बोलूँगा कि जैसे पहली बात तो युवा के अंदर ही जोश जज्बा है, बिल्कुल, यदि वो ब्लड देते हैं तो जैसे कि ब्लड एक ब्लड जी चार इंसानों की जिंदगी बचा सकता है, प्लेटलेट वगैरह हो गई या और अन्य जो चीजें होगी। युवाओं को तो मेरी तरफ से यही संदेश है कि बढ़ चढ़ कर इसमें ब्लड डोनेशन के अंदर काम करें, और जैसे प्रवेश भाई ने आज ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, आइंदा भी फ्यूचर के अंदर प्रवेश भाई और बढ़ चढ़कर काम करें, समाज सेवी के काम करें, जैसे कि इन्होंने पिछले दड़वे के अंदर भी शादी कराने का काम किया। प्रवेश भाई हमारा इस चक्कर के अंदर बहुत लगा रहता है कि वो समाज की सेवा कर सके। आजकल युवा बहुत ज्यादा नशे की चपेट में है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो आजकल युवा नशे की तरफ जाते जा रहे हैं? मैं उनको संदेश की जगह उनसे निवेदन करना चाहूंगा, उनसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि ये जो नशा उन्होंने अपनाया जीवन के अंदर, उस नशे से दूर रहकर वो अपना अच्छा जीवन जिए, स्वस्थ जीवन जिए, तंदुरुस्त रहें। देश का भविष्य आने वाले समय के वो कोई वैज्ञानिक बन सकता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई IAS अफसर बनेगा, लेकिन नशा करेंगे तो क्या बनेंगे? बिल्कुल सिर्फ नशेड़ी बनेंगे। इसलिए नशे से दूर रहकर समाज सेवी का काम करें, यदि आपके पास कोई काम है समाज सेवा काम करें। समाज जनसेवा ही एक मानव सेवा ही जनसेवा है। बिल्कुल जी। तो देखिए हमारे साथ मौजूद थे हमारे यमुनानगर के चहेते चेहरे युवाओं की आवाज़, और अब मिलते हैं उस शख्सियत से जो अभी काफ़ी समय से समाज के अंदर एक्टिव रहते हैं, हमारे परवेज़ खदरी जी। आइए इनसे जानते हैं, आपको कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप युवाओं से एक ही संदेश है जी, बढ़ चढ़ कर इस मुहिम में भाग ले भाई, आप ब्लड दान करते रहे, ठीक है, और सभी भाई की गलत कामों से दूर रहे, नशे से बचे। आज के टाइम में युवा बहुत नशे में लाजी हमारे एरिया में खासकर ज्यादा, तो उनसे एक ही विनती है भाई, नशे से छूटो और अच्छे काम में हो। तो ये हमारे साथ मौजूद थे हमारे परवेज जी, और हमारी बात हुई थी त्यागी जी से। तो मैं भी एक युवाओं तक ये संदेश देना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग समाज में सामाजिक कार्यों में आए, ब्लड डोनेशन कैंप में आए, गरीबों की सहायता के लिए आए। मैं आपके साथ मोहित। आपका शुभ नाम क्या है जी? शहजाद मंसूरी। आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर? अच्छा लगा जी। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये ब्लड देने के लिए, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा जी कि ब्लड देना दान करना अच्छी बात है, और इससे किसी की जान भी बचती है, तो मैं सभी से अपील करूँगा कि ब्लड दें। कुमार जी आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं रक्तदान इसलिए कर रहा हूँ ताकि किसी भी गरीब की, जैसे रक्त रक्त की कमी पड़ जाती है, हाँ, किसी को कमी ना पड़े, ठीक है, इसलिए मैं रक्तदान कर रहा हूँ। और आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें, ठीक है।